सबको नमस्कार। आज हमें बनाना है शाबिगे। उसके लिए मैंने लिया रेशन का चावल 1 केज लिया है। अभी इसको रात को डाल के भिगो के रखा है। अभी इसको अच्छे से धो के हम लोग ग्राइंडर में डालना है। अभी देखिए ग्राइंडर सेट हो गया। अभी इसमें डालना है चावल जो धो के रखा हुआ है। सारा चावल डाल दिया। अभी इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल के ग्राइंडर चालू करना है। हमें ढक्कन ढकना है। अभी देखिए बैटर रेडी है। इसको एक बर्तन में हमें निकालना है। पहले देखिए एक मिट्टी का बर्तन लिया है मैंने। इसमें बैटर को निकालना है। अभी देखिए इसको निकालना है। हाथ से ही निकालूंगी। सारा बैटर को हमें ऐसे ही निकालना है। अभी देखिए इडली का एक बर्तन लिया है मैंने। ये बर्तन को मैंने इसका अंदर पानी डाल के स्टीम के लिए रखा है। अभी देखिए अच्छे से स्टीम आ गया। अभी जो चावल का बैटर बनाया है उसमें से छोटा छोटा वाला पुंडी बनाएंगे। पुंडी मीन्स ऐसे होता है। देखिए थोड़ा सा इसमें ऐसे निकाल के ऐसे हाथ में करके इसमें रखना है। अभी देखिए ऐसे ही रखिए। देखिए एक बार का रख के मैंने इसको ढक के रखा था। अभी स्टीम में ये पक गया। अभी इसका ऊपर सेम ऐसे ही रखेंगे हम लोग। देखिए इसका भी स्टीम से ये थोड़ा पक गया। अभी इसका ऊपर हमें रखना है और बचा हुआ। अभी देखिए सारा रख दिया। अभी इसको 30 मिनट्स के लिए स्टीम करना है हमें। मतलब 20 से 30 मिनट्स के लिए करेंगे बस। पक चुका है। अभी इसको इससे हमें शेमिया बना। ये शेमिया बनाने वाला मशीन है ये ऐसे है। अभी इसका अंदर हम लोगों ने डाल दिया। अभी इसको ऐसे रोटेट करना है ऊपर से। अभी देखिए ये नीचे से। ऐसे बनाते हैं शेमिया। ऐसे ही सारा शेमिया को बनाएंगे हम लोग। देखिए सारा शाबिगे बना के रेडी है। चावल का शेमिया और चिकन ग्रेवी रेडी है। ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।